भारत माता की। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सारे जने खुश हो पानी आने से? आपसे ज्यादा मैं खुश हूँ। हम लोगों ने जब सरकार बनाई थी, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, हम लोगों ने आपको वादा किया था कि कच्ची कॉलोनियों के अंदर पानी देंगे, विकास करेंगे, सीवर का काम करेंगे, सड़क, बिजली, पानी सब देंगे। सबसे ज्यादा दुखी पानी और सड़क की वजह से थे लोग। आज मुझे बेहद खुशी है कि ये जो यूजीआर बना है, ये लगभग 1.5 करोड़ लीटर पानी का यूजीआर बना है। इस 1.5 करोड़ लीटर पानी के यूजीआर से 14 गांव ऐसे हैं जहां पहले पानी आया तो करता था लेकिन बहुत कम आया करता था। इन 14 गांव में अब पानी खूब आया करेगा। ये 14 गांव है कराला, मजरी, मदनपुर डपास, रानीखेड़ा, रसूलपुर, लाडपुर, कंझावला, झीमरपुरा, घेवरा, निजामपुर, तातेसर, सावदा, जोंती, गढ़ी, रिंढाला। इनमें अब पानी बढ़ जाएगा। 2 कच्ची कॉलोनियां हैं जहां पानी आया करता था, कम आता था, अब यहां भी पानी बढ़ जाएगा। उदय विहार कंझावला और हरिजन बस्ती गांव जोंती। 25 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पे पहली बार पानी पहुंचेगा। ये 25 कॉलोनियां, नाम लेने में तो टाइम लग जाएगा लेकिन 25 कॉलोनियां हैं, बहुत सारी हैं। और 1 जेजे कॉलोनी है सावदा घेरा गेवरा जहां पहली बार पानी पहुंचेगा। पहले यहां पे बिल्कुल पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जैसे अभी विधायक जी ने कहा, बिल्कुल ऐसे था जैसे राजस्थान है। और 5 साल में हम लोगों ने आज यहाँ पे 1.5 करोड़ लीटर का यूजीआर जो बना है, इसकी वजह से गांव-गांव में पानी आ जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि 70 साल हो गए आजादी को, 70 साल के अंदर आपके गांव के अंदर, आपकी कच्ची कॉलोनियों के अंदर, हमारी तो नई नई पार्टी है, हम तो अभी, हमारी पार्टी बनी थी 7-8 साल पहले, हमारी पार्टी ने आके इतना काम कर दिया, आपके गांव में पानी पहुंचा दिया, आपकी कच्ची कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया, आपके यहां पे सड़कें बनवा दी, नालियां बनवा दी, तो 70 साल में ये दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती थी जिनका राज था 70 साल से? कर तो सकती थी, करा नहीं, इन्होंने नीयत खराब थी। गलत तो नहीं कह रहा जी, इनकी नीयत खराब थी। जो काम हम 4 साल में कर दिया, हम लोगों ने 4.5 साल में कर दिया, वो काम ये 70 साल में तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने केवल राजनीति करने के सिवा, भ्रष्टाचार करने के सिवा और कुछ नहीं करा। मेरे को याद है जब हमने पार्टी नहीं बनाई थी, हर 5 साल के बाद जब भी चुनाव आया करते थे, कच्ची कॉलोनियों के विकास को लेके और कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के नाम पे ये हर बार वोट मांगा करते थे, दोनों बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। हर चुनाव के पहले आके कहते थे जी वोट दे दो, वोट दे दो, इस बार कॉलोनी पक्की कर देंगे, वोट दे दो, इस बार आपका विकास कर देंगे। कहते थे, नहीं कहते थे? हर बार चुनाव के पहले ये कहा करते थे, वोट दे दो विकास कर देंगे, वोट दे दो पानी ला देंगे, वोट दे दो सड़क बनवा देंगे। करा कभी नहीं इन्होंने, 70 साल में इन्होंने नहीं करा। क्यों? करने की नीयत ही नहीं थी, करना ही नहीं चाहते थे। इस बार जैसे ही हमारी सरकार बनी, मैं छोटा सा आदमी हूं, आम आदमी हूं, आप ही की तरह हूं, आप ही के बीच में से आया था, आप लोगों ने विश्वास दिखाया और एक छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। हमको राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसी वजह से ये लोग हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले। हमको केवल काम करना आता है, तो जैसे ही आपने जिम्मेदारी दी, हम एकदम से लग गए काम करने। जैसे मेरे को याद है, शुरू शुरू में जब हमारी सरकार बनी, हमने 1 महीने में बिजली के रेट कम कर दिए, तो कई दूसरी पार्टी वाले आए, बोले केजरीवाल जी आपको राजनीति करनी नहीं आती। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
बोले जी ये काम जो है वो आखिर में करते हैं, बस चुनाव के पहले 5 साल काम नहीं किया करते। हमने काम ये करने नहीं आए थे, हम काम करने आए, हम राजनीति करने नहीं आए। जैसे हमारी सरकार बनी हमने बिजली के रेट कम कर दिए, हमने 20,000 लीटर पानी कम कर दिया, पानी फ्री कर दिया। और जैसे ही सरकार बनी भाई साहब सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम कराना हमने शुरू कर दिया। आज 5 साल के बाद मेरे को ये कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं उन सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कों के काम चल रहे हैं। कईयों में काम हो चुके, कईयों में सड़कें बन चुकी और कईयों में सड़कें बन रही हैं, नालियां बन चुकी, सीवर की पाइपलाइन या तो डल चुकी है डल रही है, और पानी पहुंचा दिया 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर। ये छोटी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है। कई लोग मेरे को कहते हैं, सुना होगा आपने भी, कई लोग कहते हैं ना हमारे से पहले 15 साल में कांग्रेस ने बड़ा विकास करा, कांग्रेस ने बड़ा। मेरे को तो कहीं विकास नहीं दिख रहा जी। विकास करा होता तो पानी तो आ जाता आपके गांव में, तो कहां विकास करा? वो VIP एरिया में विकास करा, जहां बड़े बड़े नेता अपने इलाके में विकास कर लिया जहां ये रहा करते थे। नई दिल्ली में विकास कर लिया, वहां पे जहां ये रहते हैं VIP एरिया में विकास कर लिया, वहां की सड़कें भी बनवा लेंगे अपने, फ्लाईओवर भी बनवा लेंगे अपने, पानी का भी इंतजाम कर लेंगे, शानदार चमाचम सड़कें इनकी। लेकिन आप कच्ची कॉलोनी में चले जाओ, गरीब बस्तियों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, वहां ना पीने का पानी था, ना सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। अब आपके बीच में एक आम आदमी मुख्यमंत्री बना है तो पहली बार एक आम आदमी को आम आदमी की समस्या समझ में आती है। मैं जब चुनाव के दौरान वोट मांगने जाया करता था, कच्ची कॉलोनियों के लोग मेरे को कहते थे देखो जी कितना कीचड़ है, बारिश के दिनों में इतना कीचड़ है, बोले जी रिश्ते करने वाले नहीं आते, कोई रिश्ता नहीं होता हमारे। अब मेरे को बड़ी खुशी है आपके घर के अच्छे रिश्ते आया करेंगे आपके घर। तो दोस्तों पिछले 4 साल में शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम करा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, और अब बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अगले महीने आप देख लेना यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कोई भी धन्ना सेठ नहीं है, सारे आम आदमी है, सारे गरीब आदमी है। मेरे को उम्मीद है आपके यहाँ जितने खड़े हैं 90% लोगों का 0 बिल आएगा अगले महीने। भारत के इतिहास में 70 साल में किसी पार्टी के राज में 0 बिजली का बिल और 0 पानी का बिल नहीं आया होगा आज तक, पहली बार हो रहा है 0 बिजली का बिल आएगा अगले। इन्होंने खूब विरोध करा मेरा, बीजेपी वालों ने खूब विरोध करा, कांग्रेस वालों ने, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है। तो मैंने कहा मैं घर तो नहीं ले जा रहा, मेरी जनता के लिए ही तो फ्री कर रहा हूं भाई। मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने पैसा चोरी नहीं करा, डाका नहीं डाला, जितना पैसा बचा वो सारा पैसा मैंने जनता पे लुटा दिया। आपकी बिजली फ्री कर दी, आपकी पानी फ्री कर दिया, दवाइयां फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए, अस्पताल शानदार कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पैसा तो नहीं खाया हम लोगों ने कम से कम। तो दोस्तों जानबूझ के अभी तक 70 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा था, मुझे बेहद खुशी है। आप लोगों ने जो उम्मीद करके, जिन उम्मीदों से आम आदमी पार्टी को जिताया था, वो उम्मीदें आपकी सारी पूरी हो रही है। जितने अपने बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी थे वो भी बहुत खुश हैं, और जब बुजुर्ग खुश होते हैं ना तो समाज आगे बढ़ता, तो ही परिवार आगे बढ़ता है। यहाँ जितने 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं जरा हाथ खड़े कर दें, जो 60 साल। अब मेरी आपसे गुजारिश है जी, सारे जने अपनी एक एक तीर्थ यात्रा जरूर करके आना, सारे बुजुर्गों के लिए शानदार तीर्थ यात्रा का आयोजन करा है दिल्ली सरकार ने। मुफ्त में तीर्थ यात्रा होती है, पता है आप लोगों को, मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। रामेश्वरम, द्वारका, मथुरा वृंदावन, अमृतसर, पुष्कर जी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, तिरुपति, बालाजी, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, शिरडी, उज्जैन,
गया, वाराणसी, ये इतनी सारी जगह है जहां की तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने बुजुर्ग आए हुए हैं सारे जने अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। और बहुत शानदार अरेंजमेंट है, अभी तक जितने बुजुर्ग गए हैं किसी ने भी आके सारे दुआएं दे रहे हैं, आने के बाद सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, आने के बाद खूब खुश होके आ रहे हैं। एसी ट्रेन कर रखी है, वहां रहने का इंतजाम एसी, जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरोगे बसों का इंतजाम है, खूब शानदार खाने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, बढ़िया इंतजाम है। और हर बुजुर्ग अपने साथ अपने घर से एक अपने बच्चे को ले जा सकता है उसकी माँ बाप की देखरेख करने के लिए, किसी को भी अपने साथ ले जाओ, एक आदमी को ले जा सकता है। और जितने यहाँ पे युवा खड़े हैं सबके घर में कोई ना कोई बुजुर्ग होंगे, पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, सबको तीर्थ यात्रा कराना। तीर्थ यात्रा करने का भी पुण्य होता है और तीर्थ यात्रा कराने का भी पुण्य होता है, दोनों पुण्य होते हैं, खूब पुण्य कमाओ। आप लोगों ने ईमानदार पार्टी चुनी थी, धर्म में विश्वास रखते हैं, अच्छा काम करने, जैसे पानी पिलाने का पुण्य होता है ऐसे ही तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य होता है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का पुण्य होता है इसलिए स्कूल बनवा रहे हैं, गरीबों का अस्पताल इलाज कराने का पुण्य होता है इसलिए अस्पताल बनवा रहे हैं। तो अच्छी पार्टी को वोट दिया था, अब दिल्ली का खूब जम के विकास हो रहा है, सारे देश के लोग अचंभा करते हैं कि इतना काम कैसे हो गया दिल्ली के अंदर, 5 साल में इतना काम कैसे हो गया। मैं तो उनको एक ही बात कहता हूं जी, अगर ईमानदार राजनीति हो जाए ना अपने देश के अंदर तो सब कुछ हो सकता है, अपना देश दुनिया का नंबर एक देश बन सकता है। भारत माता की।